नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार। आप देख रहे हैं टेक्निकल एंस हमारे खास एपिसोड क्वार्क स्पेसिफिक क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में आपको बताने वाला हूं कि कोई भी सर्कल को अगर आप हाफ करना चाहें, हालांकि क्वार्क स्पेस में जो 5 वर्जन है उसमें जो है हाफ सर्कल नहीं बना सकते, लेकिन उसको किस तरीके से आपको हाफ करना है, किसी भी सर्कल को हाफ कर सकेंगे, तो वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, कहीं से स्किप मत करिए, क्योंकि आप स्किप करेंगे तो तक कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस कर दें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में एक नोटिफिकेशन बेल आइकन, उसे जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आपको नई नई जानकारी हासिल होती रहे। वीडियो को दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और दोस्तों आपको बता दें हमारे व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें ताकि छोटी छोटी अपडेट भी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से क्वार्क एक्सप्रेस पर हम लोग किसी भी बॉक्स को, सर्कल बॉक्स को हम लोग जो है वो हाफ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ओपन कर लेंगे अपना पेज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने अपना पेज ओपन कर लिया है, और आप भी फटाफट से अपना पेज ओपन कर लीजिए। और यहाँ पर हम लोग सिखाएंगे कि आज हम लोग कोई भी सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसको हम लोग कैसे हाफ सर्कल को ड्रॉ कर पाएंगे, कैसे हाफ सर्कल बना पाएंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक सर्कल लिया हुआ है जो कि फोटो बॉक्स हमने लिया हुआ है सर्कल का, और आप इसको चाहे टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, चाहे कोई सा भी बॉक्स को आप ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे टेक्स्ट बॉक्स हो चाहे फोटो बॉक्स हो। अब यहाँ पर हम लोग इसको कंट्रोल बी करेंगे और यहाँ पर बॉर्डर दे देंगे। तो सो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने बॉर्डर भी दे दिया है इसको। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसका पर जो है कलर भी फिल कर सकते हैं। तो ये हमारा कलर फिल हो गया दोस्तों। ऐसे तो अब आप देख रहे हैं कि हमारा कलर फिल हो चुका है, और ये हमारा कुछ ऐसा हो चुका है यहाँ पर। और अब आप इसको हाफ करना चाहते हैं तो कैसे हाफ होगा, तो सबसे पहली चीज़ आपको बता दें कि ये डायरेक्टली हाफ नहीं होने वाला है यहाँ पर। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा इसको हाफ बनाने के लिए, तो यहाँ पर आपने तो एक ये फोटो बॉक्स ले लिया है वो जो कि पूरा सर्कल है, और अब हम लोग जो है यहाँ पर एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बॉक्स को यहाँ पर हम लोग लेंगे। रेक्टेंगल बॉक्स को लेने के बाद आप यहाँ जो सेंटर पॉइंट देख रहे हैं, इस सेंटर पॉइंट पर आप जो है यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे इस रेक्टेंगल बॉक्स को। तो यहाँ पर आप किसी भी डिज़ाइन का बना सकते हैं अपने सर्कल को। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो है यहाँ पर सर्कल हाफ दिख रहा है, और ये जो सर्कल आपका हाफ दिख रहा है तो अब इसी को आप जो है हाफ कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि सबसे पहले हम जिस बॉक्स को हमें हाफ करना है तो उसको पहले सेलेक्ट करेंगे, वो नीचे होना चाहिए। उसके बाद जिसको हमें हाफ काटना है जिससे जिस बॉक्स की मदद से, तो उसको हम ऊपर रखेंगे और उसको बाद में सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों दोनों आपस में सेलेक्ट हो गए हैं, और यहाँ आइटम पर जाएंगे। आइटम पर जाने के बाद दिया हुआ है यहाँ पर मर्ज टूल, और मर्ज पर आप देख रहे हैं नीचे दिया हुआ है डिफरेंस टूल। तो जिस डिफरेंस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे वाला जो डिफरेंस हिस्सा था वो आपका अलग हो चुका है, और अब ये आपका हाफ सर्कल ही बचा हुआ है। तो इस तरीके से आप किसी भी सर्कल को आप हाफ बना सकते हैं अपने क्वार्क एक्सप्रेस के पेज पर, और इसको आप किसी भी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि आप देख रहे हैं कुछ आप इस तरीके से भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और आप इसको अगर ऊपर देख रहे हैं आप, तो इसको आप अगर नीचे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, 90 पर आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, अलग तरीके से डिज़ाइन यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जब कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये आप देख रहे हैं कि हमारा हाफ सर्कल हो चुका है। अगर इसे हम 180 डिग्री कर देते हैं तो आप देखेंगे नीचे की तरफ से हो जाएगा ये, और यहाँ पर आप जो है दोनों को इस तरीके से जोड़ करके आप अलग अलग पिक्चर इस बॉक्स में यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपको बता दें कि अगर इसी को और भी हाफ करना है, यानी कि क्वार्टर करना है, तो क्वार्टर करने के लिए भी हम लोग यही फॉर्मूला अपनाएंगे कि यहाँ पर एक और बॉक्स को ड्रॉ कर लेंगे जो कि हमारा स्क्वायर बॉक्स हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पर क्लिक किया, और उसके सेकंड टाइम पे इस पर क्लिक किया, और यहाँ पर आइटम पर गए। आइटम करने के बाद यहाँ मर्ज है, मर्ज करने के बाद डिफरेंस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे ये हमारा क्वार्टर हो चुका है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं किसी बॉक्स को कट करने के लिए, किसी बॉक्स को जिस शेप में कर देना है उस शेप में आप यहाँ पर कट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में ये भी बताइए कि आज के इस वीडियो से क्या आपने कुछ नया सीखा, क्या आपने कुछ नया जाना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो चीज़ ना समझ में आई हो नीचे स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमसे कॉल करके, आप हमें व्हाट्सअप करके और कमेंट करके भी आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो आज के वीडियो से इतना ही। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा करके और नोटिफिकेशन बेल आइकन उससे जरूर ऑन कर लें। हमारे व्हाट्सअप पेज,
व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी फॉलो जरूर से जरूर कर लें ताकि हर छोटी छोटी अपडेट भी आपको मिलती रहे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी से कुछ ना कुछ नया सीख सके। तो आज वीडियो से इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।